हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। जेएनयू प्रोटेस्ट के दौरान महिला पत्रकार से बदसलूकी करने के खिलाफ वरिष्ठ पत्रकारों ने दिल्ली के प्रेस क्लब से मार्च प्रदर्शन किया। इस मार्च में आज तक की मौसमी सिंह और एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार भी शामिल हुए। द क्विंट से बात करते हुए रवीश कुमार ने लोगों को प्रदर्शन में शामिल होने का निवेदन करते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि जब कोई पत्रकार पिटता है तो सिर्फ पत्रकार ही आते हैं। रवीश ने महिला पत्रकार की पिटाई पर बोलते हुए कहा गया कि महिला पत्रकार को टारगेट करके पीटा गया ताकि वो लोगों की आवाज न उठा सके। रवीश कुमार ने कहा कि पत्रकारों को पीटना स्टेट का फॉर ग्रांटेड कैरेक्टर हो गया है। आप पत्रकार आएंगे, आपको अकेला देखेंगे और पीट के चल देंगे। जांच वाच से कुछ नहीं होता। रवीश ने आगे महिलाओं के पत्रकारिता पर बोलते हुए कहा कि लड़कियां पत्रकारिता में बहुत जोखिम ले रही हैं। लोगों को लगता है कि ये निडर हैं, इसलिए इन्हें वो अकेले में ले जाकर के पीट देते हैं। इसके बाद रवीश ने आरा में दो पत्रकारों की हत्या के मामले पर बोलते हुए कहा कि छोटे शहरों में पत्रकारों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। दिल्ली मुंबई में तो फिर भी लोग पत्रकारों के समर्थन में आ जाते हैं, पर छोटे शहरों में कोई नहीं जाता। प्रदर्शन के असर पर बात करते हुए रवीश ने कहा कि प्रदर्शन से हम सरकार के दिल पर बोझ बन जाते हैं। हम सरकार को बताते हैं कि आपने गलत किया और आप एक्शन नहीं लोगे तो हम आपके सीने पर बोझ बनकर रहेंगे। आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपने एक महिला या किसी भी पत्रकार के साथ गलत बर्ताव किया है। हालांकि जेएनयू प्रोटेस्ट के दौरान पत्रकारों से बदसलूकी मामले में दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर दी है। दिल्ली पुलिस ने दो पुलिसकर्मियों का निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी ने महिला फोटो जर्नलिस्ट के खिलाफ बल प्रयोग किया था और उसका कैमरा छीन लिया था। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल माइंड द न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।